मैं मुनीश शर्मा, अभी हम खड़े हैं रामपुर तिराहे पर रुड़की में। अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ ये जो हाईवे है जाम हुआ है, लोगों ने इसे जाम किया हुआ है। आइए जानकारी लेंगे लोगों से किस विषय में यह क्या घटनाक्रम है और क्यों ये रोड जाम किया हुआ है। आ जाओ जी, पीछे हो जाओ भाई, थोड़ा साइड में पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, थोड़ा सा बैठे जरा साइड हो जाओ, इधर आ जाओ। दोनों पैर खत्म से लटके गए। देखो ये, अरे देखो कार्य उसके आगे, देखो अरे जरा पैसा, अरे वो देखो जरा पड़ा है, दोनों पैर खत्म कर रहे हो, दोनों पैर ना पैर इसके, दोनों पैर खत्म है। अब बताओ गंभीर नहीं है क्या घटना थी? बता दी क्या थी जी? खनन कर रहे हैं, खनन अवैध खनन, अवैध खनन की फसल खोद रहे जी, यहाँ मारपीट हुई है। मारपीट किस किस के बीच में हुई है? हाँ जी प्रधान जी बताइए क्या घटनाक्रम था? ये खनन के ऊपर झगड़ा है रहा जी, इन्होंने फसल पे रखी, फसल जबरदस्ती ठह रहे हैं, जो रोक रहे तो उनको खाड़ बजाए, देखो कटे पड़े खेतों से मिट्टी उठा रखी है, जबरदस्ती जबरदस्ती फसलें खोदी जा रही है, खनन किया जा रहा है, अगर उसका विरोध किया जा रहा है तो जबरदस्ती उसी वीडियो बार क्या हुआ था, फिर बार झगड़ा हुआ था, और उन तो बार झगड़ा हुआ था, फिर इन्होंने कहा पुलिस वाला बोला कि बंद हो जाएंगे, फिर 10 दिन पहले भी झगड़ा हुआ था, ये रात है पहले भी आज से 10 दिन पहले आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस ने आप लोगों को आश्वासन दिया था कि इन लोगों के आश्वासन दिया था कि इन लोगों के ट्रैक्टर ट्रोली बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन दोबारा फिर वही काम शुरू हो गया। अभी एक जना बोल लो, अभी जो घटनाक्रम हुआ है कितने लोगों को चोट आई है? 4 को। क्या चोट किस प्रकार की है? गंभीर चोट है क्या? क्या हुआ? गंभीर चोट है जी, ढेर गंभीर चोट, आओ दिखाते हैं जरा कि जो 2 चेतक पर पुलिस जिनकी ड्यूटी इस क्षेत्र में है उस समय वहीं पर थे जिस समय यह घटनाक्रम हुआ, तो अभी इन लोगों को कैसी चोटें, कितनी गंभीर चोटें हैं? पैर टूटे पड़े हैं बिल्कुल, अच्छा जी, एक का बिल्कुल सर फाड़ रखा है जी, जो आपका छोटा है उसका सर फटा हुआ है, और जो फरमान है उसके दोनों पैर बिल्कुल मौजूद हो गए, उसके छोटे छोटे बच्चे बहुत, उसका दोनों पैर तोड़ रखे लोगों, और एक जो कुर्बान है उसके बहुत गंभीर चोटें हैं, वो भी बेहोश पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने जिस प्रकार से ट्रैक्टर ट्रोली यहाँ रखकर इन लोगों को यहाँ लेटा रखा है, अभी रास्ता जाम है, आपकी क्या मांग है प्रशासन? हमारी मांग ये है कि हमें जो हमारे क्षेत्र का जो थाना है हमें उस पर तो विश्वास है नहीं, क्योंकि पूरा थाना बिका हुआ है, पैसे लेकर के थाना इस काम को चलवा रहा है। हमारी मांग ये है कि SP साहब आए, DM साहब आए, और इसको पूरे संज्ञान में अपने इस घटनाक्रम को संज्ञान में लेकर के उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, खनन माफियाओं के खिलाफ, और खनन माफिया बंद होना चाहिए जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हसन अली। हसन जी नमस्कार, धन्यवाद। घटनाक्रम ये है जी, देखो किसी का आपसी विवाद तो है नहीं है जी, ये खनन माफिया का खेल है, खनन माफिया किसानों के खेत में से मिट्टी उठाती है, किसान मना करता है तो ये उनको मार पीटते हैं, उनको ये हार करता है तो मेरे करते छोड़ देते, आज भी ये हुआ, ये लोग मिट्टी उठा रहे थे खेत में से, किसान आ गया उसने मना किया कि मेरे खेत में से मिट्टी मत, ये जो लोग पड़े हैं ये किसान लोग हैं, ये किसान लोग हैं, खेत मालिक हैं, इन लोगों को जो इनके साथ मारपीट हुई है वो किसके द्वारा हुई है? ये खनन माफिया जो है, खनन माफिया द्वारा इन लोगों को मारा चेता जी 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 बिल्कुल। जब ये खनन माफिया खेत में आए थे आप लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई? पुलिस मौके पर थी, पुलिस के सामने पीटा गया जी, पुलिस मौके पर चेतक वाले दो आदमी, आपका कहना है कि पुलिस मौके पर थी, पुलिस के सामने ये घटना घटा जी बिल्कुल, के सामने उन्होंने ये कहा उसको कि आप आधे घंटे एक साइड में हो जाओ, हमें अब सही कहा, तब उन चेतक वाले ने पुलिस वालों को